इधर दुर्ग जिले के कुम्हारी में बीती रात डिस्टिलरी कर्मचारी से भरी बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 कर्मचारी घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस एसडीआरएफ की टीम समेत जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को तत्काल रायपुर, भिलाई और दुर्ग के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं रात में ही सांसद विजय बघेल भी मौके पर पहुंचे। वहीं सुबह उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली। मृतकों के लिए 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा केडिया डिस्टिलरी प्रबंधन ने की है। वहीं घायलों के इलाज का पूरा खर्चा उठाने की घोषणा भी प्रबंधन ने की है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लोग यहाँ पे उपस्थित हैं तो मानव कर्तव्य हम सबका, और बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत दुखद घटना हुई, 11 लोग स्वर्गवासी हो गए। हम उनके साथ संवेदना व्यक्त करने, उनके परिवार को ढांढस बंधाए आए हैं, और जो लोग कुछ इंजुरी में हैं, जो अभी कुछ चोटें ज़्यादा आई है उसको एम्स रवाना किए हैं, उसमें मेरी बात हो गई है। एम्स में लोग भर्ती हैं, उनमें से दो की हालत थोड़ी गंभीर है, बाकी सब स्टेबल है। गुरमुख करके ड्राइवर है, मतलब पहले दूसरी सूचना थी, अभी वो पता चला कि ड्राइवर हैं वो, उनसे बात भी हुई मेरी। तो वापस आते समय वो बता रहे थे कि बस का लाइट बंद हो गया और फिर उन्होंने ब्रेक लगाया तो शायद रोड की वजह से या जैसे भी ये हादसा हुआ। कल का जो घटना हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है और दुखदायक है। जिस परिवार में ये हुआ है उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ, साथ साथ शासन प्रशासन से भी हम बात करेंगे। इसमें कमी बेशी जो होगा उसको तत्काल दूर करें, आने वाले भविष्य में ऐसा घटना ना हो, इस दिशा में भी पहल किया जाएगा।